नमस्कार साथियों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, वर्मा टावर नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे आजमगढ़, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक कुमार वर्मा, और मोबाइल नंबर है 9415207728। खबर आजमगढ़ से है, जहां ज्येष्ठ माह में जब धरती और आकाश दोनों आग उगल रहे होते हैं, भारत विकास परिषद की परंपरा एवं उद्देश्य के अनुरूप सेवा, सहयोग और समर्पण को ध्यान में रखते हुए गंगा दशहरा के पावन अवसर पर भारत विकास परिषद की एलिट शाखा के सदस्यों द्वारा मीठा जल सेवा का कार्यक्रम आज शहर के सिविल लाइन्स स्थित चौराहे पर किया गया। वहीं इस भीषण गर्मी में उधर से गुजरने वाले राहगीरों को प्यास को मीठे जल द्वारा तृप्त करने का भी प्रयास किया गया। शाखा समय समय पर इस प्रकार की संवेदनाएं प्रदान करती रहती है और आगे भी करती रहेगी। इस कार्यक्रम में शाखा के अध्यक्ष गिरिराज सिंघल, सचिव श्रीमती शिखा, अनिल अग्रवाल, महिला संयोजिका ललिता अग्रवाल, कोषाध्यक्ष राजेश अग्रवाल एवं सदस्यों में पंकज अग्रवाल, रमेश अग्रवाल, अनिल अग्रवाल, अरविंद अग्रवाल, नीरज अग्रवाल, गगन अग्रवाल, पूजा, मोनिका, मुक्ता, रेणु, वंदिता, मनीला, नूतन, अर्चना ने समय से उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग किया। वहीं इस अवसर पर भारत विकास परिषद एलिट शाखा परिवार की तरफ से सभी को गंगा दशहरा व पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी गईं। क्या नाम है? मेरा नाम गिरिराज सिंघल है। सब जो भारत विकास परिषद द्वारा हर जगह जगह जलपान चलाया जा रहा है, भारत विकास परिषद की तरफ से इस भीषण गर्मी को देखते हुए और आज गंगा दशहरा का पर्व को देखते हुए आज हम लोग कई जगहों पर इस तरीके के जो है गुण और साथ में और जल की व्यवस्था हम लोगों ने किया है। कहाँ कहाँ? एक सिविल लाइन में किया है, एक अपना भवरनाथ के पास किया हुआ है, एक कोट मोहल्ले के पास किया हुआ है। इतनी गर्मी पड़ी है अभी, जगह जगह चौराहा पे कहीं पानी पीने की व्यवस्था नहीं, उसके द्वारा आप संगठन की बात नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, आज कहीं भी हैंडपम्प्स नदारत हैं, हैंडपम्प्स कहीं नहीं लगे हुए हैं। लोगों को गर्मी से बहुत ही जूझना पड़ रहा है। इस भीषण गर्मी में पानी की व्यवस्थाएँ बहुत ही ख़राब है। नगर पालिका की तरफ से भी ये व्यवस्थाएँ होनी चाहिए कि कम से कम हर चौराहे पर, हर जगह पर कम से कम हैंडपम्प लगे होने चाहिए। लेकिन आज हैंडपम्प की हालत ये, कहीं भी कोई भी हैंडपम्प नहीं है। हम लोग इसमें प्रयासरत हैं कि कुछ प्याऊ की व्यवस्था वहाँ पे किया जाए और कुछ ठंडे पानी का डिफ्रीज़र वगैरह लगाने की हम लोगों में बात चल रही है। व्यवस्थाएं जो है बहुत जल्दी हम लोग कराने के जो है उसमें